पूरा लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाशें फूक रही हैं, शमशान घाटों में मेला लगा हुआ है, और लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ कुछ नहीं है। अरे जब व्यापारी के पेट में रोटी नहीं होगी, पेट की आग ही नहीं बुझेगी, तो उसके लिए क्या मायने रखता है वहाँ पर? इसका काम रह गया कि दुकानें बंद कराओ, दुकानें बंद कराने से कोरोना फैल रहा है, लेकिन जो सारी गतिविधि चल रही है कोरोना नहीं फैल रहा। कुंभ मेले के नाम पर हरिद्वार के लोग इतना बड़े बड़े अस्पताल बने, इतना सामान आया, सब कुछ आया, आज लोग बैठ के धक्के खा रहे हैं, उन्होंने 30 तारीख को गुजार दिया। अरे उस आप लोग चीज़ों का फायदा क्यों उठाया? यहाँ स्टाफ भी था, दवाई भी थी, सामान भी था, यहाँ का सामान सारा यूपी भेज दिया गया, बनारस लखनऊ भेज दिया गया, तो क्या उत्तराखंड में यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ रहे? यहाँ के लोग बिल्कुल स्वस्थ है। आज जब लोग अपने परिजनों की लाशें छोड़कर चले जा रहे हैं, उनके दाह संस्कार की बात तो दूर, उनका हाल चाल जानना भी मुश्किल समझ रहे हैं। उस दौर में हरिद्वार यानी धर्मनगरी के व्यापारियों के क्या हालात होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। साथी गणेश वैद्य ने धर्मनगरी के व्यापारियों से बातचीत की, उनके दुख को समझने का प्रयास किया। आप सोचिए कि इन व्यापारियों ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी की हार पर मिठाई बांट दी। उस जाहिर सी बात है कि जब इन व्यापारियों के पेट पर लात पड़ी है तो इनके लिए यह सब असहनीय है, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी घर है, इनके ही घर में एक चूल्हा चलता है। देखिए साथी गणेश वैद्य की पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं गणेश कुमार वैद्य, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त पूरे देश के साथ साथ प्रदेश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, और आप जैसे जानते हैं कि कोरोना महामारी ने कि ये दूसरी लहर चली है, ये किस कदर हावी है, और इस दौर में जहां लोगों को ऑक्सीजन और बेड की लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसी के बीच इस महामारी के पीछे एक महामारी और बड़ी छिपी है जो किसी को इस वक्त नज़र नहीं आ रही, और वो महामारी है गरीबी की, आर्थिक मंदी की, बेरोजगारी की। तो इसी के बीच पिछले लॉकडाउन से लेके और जब पिछले गत वर्ष लॉकडाउन लगा था और इस वर्ष तक इस धर्म नगरी में का व्यापारी किस कदर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ये बात किसी से कहने की नहीं है, किसी के सामने छुपी नहीं हुई है। और इसी की बात को लेकर, इसी परेशानी को लेकर हमारे साथ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ का व्यापार मंडल और उद्योग और व्यापारी किस कदर पीड़ित है आर्थिक तंगी से। संजय जी, पिछले जैसे काफ़ी टाइम से, पिछले वर्ष से ही हम देखते आ रहे हैं कि एक हरिद्वार का व्यापारी को एक आस थी महाकुंभ से, और वो भी आज जाती रही, और इस वक्त फिर एक बार ऐसी विपत्ति की घड़ी आई है जब व्यापारियों ने सरकार से प्रशासन के साथ सहयोग तो किया, लेकिन आपको उस सहयोग के बदले में कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा, जैसा आपने अपने पहले भी बयानों में कहा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं व्यापारियों के लिए हर टाइम संघर्ष करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। व्यापारियों की आवाज़ हूँ मैं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, मगर सरकार ने हमारे साथ, जो हरिद्वार प्रशासन है, शासन है, कुंभ मेले को लेके बहुत बड़ा खेल खेला है हमारे साथ, धोखा करा हरिद्वार के व्यापारियों के साथ। जब कुंभ कराना नहीं था तो ये आपने इतनी तैयारियां क्यों करी थी? एक पिछले 1.5 साल से हरिद्वार का व्यापारी पर्यटन पर टिका हुआ है और श्रद्धालु पर टिका हुआ है, टूरिस्ट आता है तो हरिद्वार में व्यापार चलता है, मगर हरिद्वार का व्यापार पहले गाड़ीबंदी के नाम पर ख़त्म कर दिया गया, फिर कोरोना के नाम पर ख़त्म कर दिया गया पिछले साल, फिर एक व्यापारियों में आज जगी थी कुंभ आएगा, कुंभ में चलो जो पिछला कर्जा आया वो माल उतारेंगे, माल भरेंगे, व्यापारियों ने माल भी भरा, उधार पुधार लिया, कुंभ के जो एक आस थी मन में 12 साल में एक कुंभ आता है, मगर कहीं ना कहीं चीज़ मन में है, हरिद्वार के प्रशासन ने हमारे साथ धोखा करा है, हमारे साथ छल करा है हरिद्वार के व्यापारी। एक चीज़ इसके साथ साथ और सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि जब कहते हैं आर्थिक मंदी और एक शब्द आता है महंगाई और पेट पे पड़ी लाज, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब इंसान को अपने व्यापार चौपट होता लगता है तो वो पार्टी नहीं देखता,
कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखता। इसी चीज़ को लेकर एक वाक्य आपके साथ भी आया है कि ये संजय त्रिवाई जी ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी दो दिन पहले जब पश्चिम बंगाल के चुनाव आए और उसमें भाजपा ने बुरी तरह मार खाई तो इन्होंने पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आइए पूछते हैं इसके पीछे इनका मकसद क्या है, क्या मकसद? देखिए, बेरोजगारी, भुखमरी, व्यापार हरिद्वार का चौपट है। जब हमारा व्यापार ही नहीं बचेगा, हमारे बच्चों का परिवार खतरे में है, उनका अंधकार में है, आगे भविष्य उनका ठीक नहीं नज़र आ रहा। हमारे को हरिद्वार का व्यापार खत्म हो चुका है, व्यापारी सड़कों पे आ चुका है। पिछला ही कर्जा हमारा सरकार ने कोई माफ़ नहीं करा, कोई सरकार ने हमें राहत नहीं दी। तो कहीं ना कहीं एक मन में टीज है, ठीक है पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का भी सम्मान करते हैं, मगर हम पहले एक व्यापारी हैं। मैं एक पहले व्यापारी हूँ, व्यापारियों की आवाज़ हूँ मैं अपने आप में, एक व्यापारियों का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। पार्टी से तुम जुड़े हुए हैं, पार्टी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ पार्टी का करते हैं, मगर पार्टी तो इस टाइम व्यापारियों की तरफ देख ही नहीं रही। ऐसी पार्टी से हमें क्या लेना देना, जब हमारा व्यापारी चौपट कर दिया। आज बेरोजगारी देखो ना आप, भुखमरी कदार पे है व्यापारी, व्यापारी का कोई टैक्स माफ नहीं हुआ, सारे टैक्स व्यापारी दे रहा है। अब फिर बिजली की दरें बढ़ा दी गई, अरे पिछला ही कर्जा नहीं उतरा, पिछले ही चीज़ आपने माफ नहीं करे। उत्तराखंड में बिजली बन रही है, केसरी दिल्ली सरकार वो फ्री दे रही है 200 यूनिट, पानी बिजली फ्री दे रही है। और जिस उत्तराखंड में बिजली बन रही है वहाँ बिजलियों में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, घरों में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार क्यों माफ़ नहीं कर सकती बिजली पानी, स्कूलों की फीस माफ़ क्यों नहीं कर सकती? अरे कोई राहत तो दो। आज हमारे होटल वैसवाई है, सारा होटल बिल्कुल चौपट पड़े हैं, कमरे उनके लग नहीं रहे, कर्जा उन पर दुनिया भर का चढ़ गया। ऐसे हमारे ट्रैवल्स व्यापारी हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, टैक्स चढ़ गया उन पर, इनको रहते उनके चढ़ गए, खत्म हो गया, दुनिया भर का आरटीओ ऑफिस का टैक्स हो गया। कोई उनको राहत नहीं दी गई पिछले लॉकडाउन में भी, और इस लॉकडाउन में भी यात्रा भी जिनको पानी फेंक दिया, यात्रा नहीं चलेंगी। अरे जो आपके पालन है कोविड के उसे फॉलो करो ना, हम फॉलो करेंगे, मगर आप यात्रा क्यों आपने ख़त्म कर दी, तुम आपने ख़त्म कर दिया, यात्रा आपने ख़त्म कर दी। आप कुछ व्यापारियों को दे नहीं रहे, कोई राहत किसी बार की सरकार की तरफ से हमें मिलती भी नज़र नहीं आ रही। कोई हरिद्वार का जनप्रतिनिधि अब तक हरिद्वारी व्यापारियों की पीड़ा को जानने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। जो भी हरिद्वार की समस्या है, जनप्रतिनिधि खास हो, जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो व्यापारी उनसे कहता है, मगर उनका कोई पता नहीं आते रहते कोई जनप्रतिनिधियों का। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ साथ देखने को मिली कल हमको कि कुछ व्यापारिक संगठनों ने, व्यापारी भाइयों ने यहाँ पर कटोरा लेकर भीख भी मांगा, वो क्या मैसेज देना चाह रहा था सरकार? कटोरा तो सरकार ने हमारे हाथ में पकड़ा ही दिया, तो भीख मांगने का ही काम कर रहे हैं, मगर भीख मांगी भीख भी नहीं मिली। कल तो श्रद्धालु नहीं आ पा रहा हरिद्वार में, तो भीख कौन देगा? जब श्रद्धालु नहीं है, टूरिस्ट ही नहीं है, तो भीख कौन देगा हमें? अपने खाली बर्तन लेके हम अपने घर को लौट गए कल भी। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रदेश स्तर के एक पदाधिकारी और भी हैं, उनसे भी जानते हैं उनके मन में इस आर्थिक मंदी को, बेरोजगारी को लेकर क्या टीस है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेज प्रकाश साहू है। जो हमारी स्थानीय समस्या है, स्थानीय व्यापारियों को जो बातें हैं सर पर तो उठाता है, कह जाता है तो उठाता है। तो जैसा हम आपसे अभी जैसे पूछा कि हरिद्वार के व्यापारी के बारे में आपकी क्या राय है, मैं इस सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार, कोई भी सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब छोड़े हुए हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी को किसी परवाह नहीं। आज देख रहे हैं आप हरिद्वार में पूरा लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही, दवाएं नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाशें फूक रही हैं, शमशान घाटों में मेला लगा हुआ है, और लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ कुछ नहीं है। अरे जब व्यापारी के पेट में रोटी नहीं होगी, पेट की आग ही नहीं बुझेगी, तो उसके लेके क्या मायने रखता है मामला? जब तक पेट की आग बुझती है तभी पार्टी होती है, तभी संगठन होते हैं, तभी सरकार होती है, और तभी समाज होता है। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, पुलिस का सिर्फ एक ही काम रह गया कि दुकानें बंद कराओ, दुकानें बंद कराने से कोरोना फैल रहा है, लेकिन जो सारी गतिविधि चल रही है उससे कोरोना नहीं फैल रहा, सिर्फ ले लेके हर चीज़ें गरीब व्यापारी, आम व्यापारी, जो व्यापारी है गाय है उसको जब मर्जी लट जा लो, जब मर्जी उसका दूध निकाल लो, ये एक काम सरकार का रह गया। इसी की वजह आज अधिकारी इतना हावी है प्रदेश में कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मंत्री जो आदेश करते हैं की अलग अलग ऐसा होती है, मेरी तो समझ में नहीं आती। कुंभ मेले के नाम पे हरिद्वार के लोग इतना बड़े बड़े अस्पताल बने, इतना सामान आया, सब कुछ आया, आज लोग बैठ के लिए धक्के खा रहे हैं, उन्होंने 30 तारीख को जो उजाड़ दिया। अरे उस आप लोग चीज़ों का फायदा क्यों उठाया? यहाँ स्टाफ भी था, दवाई भी थी, सामान भी था,
यहाँ का समाचार यूपी भेज दिया गया, बनारस लखनऊ भेज दिया गया। तो क्या उत्तराखंड में यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं? यहाँ के लोग बिल्कुल स्वस्थ है। इस हमारे सरकार ने ऐसा क्या कर रखा है कि यहाँ के लोग, यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है? उस सुविधाओं को आपने यूपी में ट्रांसफ़र कर दिया। उस ट्रांसफर से उत्तराखंड के लोगों के साथ सरासर धोखा करा है सरकार ने और यहाँ के कारिंदों ने। आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसको वहाँ भेज दिया, उसको वहाँ भेज दिया, वो कोई निर्णय थोड़ा ना दो। अधिकारियों ने अपना माल खबाया, चले गए अपना लाने वाले। तो ये थे हरिद्वार धर्मनगरी के व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री और जिला महामंत्री।